Hi people, my name is Rohini and this is my first video for my YouTube channel Charm Spell English Learning. In my channel, definitely I'll cater to English learning, voice and accent, IELTS, that's IELTS for IELTS learners. And it will also have videos on motivation, on how to handle depression, then people skill, and it will have videos on lighter topics like books, places, food, health, clothes, and birds, and whatever, plants, whatever that I feel like I'll share it with you guys. And it'll have videos, whatever that comes to my mind, anything that comes to my mind which I experienced on an experiential level in life, I'll definitely share it with you guys. Let me introduce myself. My name is Rohini. Like I said, I am a freelance English trainer. I started my career with call centers, then I moved on to schools and worked as a teacher, which was kind of accidental. I never went to schools to become a teacher, but it was kind of accidental. And I've also worked as trainer, English Trainer Institute. And I'm an English trainer, a certified English trainer. And I am IELTS certified trainer from British Council, Mumbai. मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए हैं जो बिगनर्स हैं इन लर्निंग इंग्लिश, जो सिंपल सेंटेंस बना पाते हैं, एंड उन लोगों के लिए है जिनका ग्रामर अच्छा है बट देन फ्लुएंसी नहीं है. उन लोगों के लिए भी है जिनका ग्रामर अच्छा है, फ्लुएंसी है, बट वो बोल नहीं पाते, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर रिजर्व्ड हैं, या फिर व्हाटएवर द रीजंस आर. ठीक है, सो आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो बिगिनर्स के लिए है, मींस वो उन लोगों के लिए है जो आसान वाक्य बना पाते हैं. ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश, इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, दैट्स ओके. ठीक है, सो पहले उसके पहले मैं आपका एक मिथ, एक वहम तोड़ना चाहती हूँ कि इंग्लिश बहुत मुश्किल भाषा है. Well, I would like to say that English language is not a rocket science. Meaning, let me translate. English language rocket vigyan ki tarha ya fir ki jitna mushkil nahi hai. Cool? Okay, yes. Aaj ka video translation ke upar hai. Anuvad. Ye first tip hai mere first video ki. So, anuvad karna, koi bhi aapki matrubhasha ho, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, एनी साउथ इंडियन लैंग्वेज, वट एवर योर मदर टंग इज़, उसके सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो ट्रांसलेट करो. ओके, दिन में 5 sentences, 10 sentences, 15 sentences, दैट्स ओके. लेटर ऑन आपको वो हैंग आने लगेगा हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस एटलीस्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द ग्रामर इज. लेट्स नॉट फोकस ऑन ग्रामर फर्स्ट. ठीक है, एंड येस, I know that English सीखने के लिए सबसे ज़्यादा important है to think in English, but that's at the latter stage. That's correct and that's at the latter stage. ये हम उसके पहले वाले stage में हैं जहाँ पर हमको English आती है, grammar नहीं आता है, but हमको ऐसे आसान वाक्य बनाने आते हैं. So for that, आपकी जो मातृभाषा है उसके simple sentences हम लोग translate करना शुरू करेंगे. ओके, वन मोर कॉशन, इसको आदत मत बनाओ, डोंट मेक इट अ हैबिट. ओके, मेरा एक स्टूडेंट था जिसको बहुत आदत थी कि एक ही वाक्य दो बार बोलने की, एक हिंदी में एंड देन इन इंग्लिश. सो वो बोलता था, मैम मैं कल नहीं आने वाला हूँ, आई विल नॉट कम टुमारो. सो डोंट डू दैट, इनिशियल स्टेज पे इसको यूज़ करो ट्रांसलेशन को, बट जैसे ही आपको सेंटेंसेस बनाना आ जाए इसको आप डिलीट कर दो. ओके, ट्रांसलेशन यूज़ मत करो फिर, बिकॉज उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली. सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेटिंग. या सो द फर्स्ट सेंटेंस, लेट्स डू सम सिंपल सेंटेंसेस फर्स्ट. मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, सिंपल. सेकेंड, मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. थर्ड, वो मेरी माँ है, शी इज़ माई मदर. हम छुट्टियों में गोवा गए थे, वी ऑल वेंट टू गोवा ऑन वेकेशंस. अब थोड़े भारी भरकम फिलोसॉफिकल सेंटेंसेस करें, जैसे कि
जिंदगी खूबसूरत है खूबसूरत सोच रखने वालों की. सो लाइफ इज़ ब्यूटिफुल फॉर पीपल हु हैव ब्यूटिफुल थॉट्स, या फिर लाइफ इज ब्यूटिफुल फॉर पीपल हु थिंक ब्यूटिफुल. सेकेंड इज, मेहनत से तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो. यू कैन अचीव एवरीथिंग विद हार्डवर्क. एंड सब कुछ आसान है, मुश्किल सिर्फ फैसला लेने में होता है. एवरीथिंग इज ईजी, इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड. कूल ना, वी डिड वेल राइट. सो फर्स्ट स्टेप फॉर दिस वीडियो इज ट्रांसलेशन, बट डोंट मेक इट अ हैबिट. Start with simple sentences, 5 each day. Let me repeat like 10, 15 sentences. Increase the number of sentences. उसके बाद translation के बाद the next level. पहले translation करना शुरू कर दो. जैसे ही आप हिंदी या मराठी या किसी लैंग्वेज में बोलते हो, जैसे कि मी खूब छान जीवन बनोते, आई कुक रियली वेल, आई कुक ओके वट एवर दैट इज. सो स्टार्ट डूइंग विद ट्रांसलेशन. ओके, hey, now the main part. If you like my channel, if you like the information, then, and if you want to be a part of this beautiful journey of learning English with me, then like my channel, like my videos, subscribe to it, and hit the bell icon to get future notifications. Bye. Take care.